हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है बलराम और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ लाइटरूम सीसी मोबाइल ऐप की कुछ एडिटिंग ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जो मैंने ओवर द टाइम लाइटरूम से सीखी है। एंड आई एम प्रीटी श्योर इसमें से कोई ना कोई ट्रिक ऐसा होगा जो आपके लिए नया होगा, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो जो हमारा पहला ट्रिक है इसमें हम अपनी फ़ोटो में एक लाइट इफेक्ट ऐड करना सीखेंगे या फिर अपने लैंडस्केप फोटोग्राफी में जो स्काई एरिया है उसको ब्लू करना सीखेंगे। तो एज एन एग्जांपल यहाँ पर मैं इस मैक्रो फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ। वैसे तो ये एक काफ़ी सही मैक्रो फ़ोटो है, लेकिन इस पर एक लाइट इफेक्ट ऐड करके इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिलेक्टिव टूल के अंदर जाता हूँ, फ़ोटो को थोड़ा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर प्लस के अंदर जाकर यहाँ पर जो राउंड सिलेक्शन टूल है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहां पर एक सर्कल बना लेता हूं। मेक श्योर यहां पर सर्कल का जो फेदर है उसको आप पूरा 100% करके रखें ताकि जो एजेस एरिया है एजेस एरिया बिल्कुल ही स्मूथ दिखे। एंड देन उसके बाद उसको आप यहां पर कुछ ऊपर की तरफ लेकर के कुछ इस तरीके से यहां पर प्लेस कर दीजिए। एंड देन इसका जो लाइट है, लाइट के अंदर इसका जो एक्सपोजर है उसको आप पूरा प्लस की तरफ लेकर के जाए ताकि ऐसा दिखे कि ऊपर की तरफ से कोई लाइट यहां पर अपने सब्जेक्ट के ऊपर गिर रहा है। तो यहां पर हम कुछ और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। दैट्स इट, यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ एडजस्ट कर लिए है। अभी यहाँ पर इसको थोड़ा और साइड में लेकर के चलते हैं। दैट्स इट, ये हमारा काम हो चुका है। अभी हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो आप देख पाएंगे हमारा जो बेसिक सा मैक्रो था अभी दिखने में काफ़ी सही दिख रहा है इस लाइट इफेक्ट को ऐड करने के बाद। सेम तरीके से ये चीज़ हम कोई पोर्ट्रेट फोटो के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि इस फोटो में ये फोटो दिखने में काफ़ी ऑर्डिनरी दिख रहा है। अभी इसके ऊपर हम कुछ लाइट इफेक्ट ऐड करते हैं तो उसके लिए हम सिलेक्टिव टूल के अंदर जाते हैं, प्लस के अंदर जाकर यहाँ पर राउंड सिलेक्शन को सिलेक्ट करके एक सर्कल बना करके राइट टॉप कॉर्नर पर हम इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। दैट्स इट, उसके बाद हम लाइट के अंदर जाते हैं, इसके एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ाते हैं एंड इसका जो कलर है इसको हम चेंज कर देते हैं, जो टेम्परेचर है उसको हम पूरा बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से और जो कलर टोन है वो थोड़ा हम यहाँ पर ऑरेंज ऐड कर देंगे। तो हम देख पाएंगे यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया येल्लोइस जो लाइट इफेक्ट है आपको देखने को मिल रहा होगा। सेम तरीके से यहाँ पर हम प्लस के अंदर जाते हैं और एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर एंड देन इसका जो कलर टोन है उसको हम माइनस की तरफ लेकर के जाते हैं, आई मीन टेम्परेचर को माइनस की तरफ लेकर के जाते हैं एंड यहाँ पर एक ब्लू कलर टोन हम ऐड कर देते हैं एंड देन इसको यहाँ पर से अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख पाएंगे हमारा जो बेसिक सा पोर्ट्रेट था अभी दिखने में काफ़ी सही दिख रहा है ये लाइट इफेक्ट ऐड कर देने के बाद। सेम तरीके से आप लैंडस्केप फोटो के साथ भी कर सकते हो, जैसे कि ये जो लैंडस्केप फोटो है इसमें जो स्काई एरिया है वो आपको दिखने में बिल्कुल ही व्हाइट दिख रहा होगा, बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम सिलेक्टिव टूल के अंदर जाएंगे, प्लस के अंदर जाएंगे, जो लाइनर सिलेक्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड ऊपर की तरफ से कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करके इसको थोड़ा ऊपर की तरफ प्लेस करेंगे एंड इसका जो टेम्परेचर है उसको हम माइनस की तरफ लेकर के जाएंगे और जो कलर टून है इसमें हम ब्लू कलर टून ऐड कर देंगे। दैट्स इट, इसको थोड़ा और नीचे लेकर के आएंगे एंड यहाँ पर से अप्लाई कर देंगे। तो आप देख पाएंगे बिल्कुल व्हाइट सा जो स्काई था अभी पूरा ब्लू बन चुका है और जो दिखने में काफ़ी सही दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से अपने फ़ोटो में आप लाइट इफेक्ट ऐड करके अपनी फ़ोटो को और बेहतर बना सकते हो। अब जो दूसरा ट्रिक है वो है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए। काफ़ी टाइम क्या होता है कि हमारे जो पोर्ट्रेट फोटो होते हैं उसमें हमारे मॉडल का या फिर अपने खुद का जो स्किन है वो काफ़ी रफ देखने को लगता है, जिसको हम स्मूथ बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लाइटरूम के अंदर अपने फ़ोटो को सबसे पहले ओपन कर लेंगे, फिर हम सिलेक्टिव टूल के अंदर जाएंगे, फ़ोटो में थोड़ा जूम करेंगे, अपने जो स्किन यानी कि फेस है उसके ऊपर हम जूम करेंगे, यहाँ पर हम ब्रश सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पर अपने फेस का जो स्किन है उसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो सिलेक्शन हो जाने के बाद हम यहाँ पर इफेक्ट टैब के अंदर जाएंगे और ये जो टेक्सचर है उसको हम माइनस की तरफ लेकर के जाएंगे जब तक कि हमारा ये जो स्किन है दिखने में स्मूथ ना बन जाए। तो अभी आप देख सकते हो ये दिखने में काफ़ी स्मूथ दिख रहा है। तो दैट्स इट, ये लगभग हमारा हो चुका है। अभी हम यहाँ पर कुछ और एरियाज़ को ब्रश कर देते हैं। दैट्स इट, ये हमारा काम हो चुका है। अभी आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, हमारा जो स्किन था वो काफ़ी रफ दिख रहा था एंड अभी काफ़ी स्मूथ दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से अपने पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में आप अपनी स्किन को स्मूथ बना सकते हो और उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हो।
अब जो हमारा लास्ट ट्रिक है वो कुछ ऐसे फ़ोटोज़ के लिए है जिसमें फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर रहता है। जैसे कि इस मैक्रो फ़ोटो में आप देख सकते हो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी सही ब्लर है। तो यहाँ पर मैं इस फ़ोटो की अगर शार्पनेस को इनक्रीज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं शार्पनिंग टूल के अंदर जाकर अगर इसकी शार्पनिंग को इनक्रीज़ करता हूँ, डिटेल्स को इनक्रीज़ करता हूँ, तो आप देख पाएंगे फ़ोटो का जो शार्पनेस है वो तो बढ़ रहा है, साथ ही बैकग्राउंड में काफ़ी सारा नॉइज़ आ रहा है। अगर आप इस वीडियो को 1080p पर देख रहे हो तो आप नोटिस कर पाएंगे कि जो फोटो में फोटो का जो बैकग्राउंड है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ चुका है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट की जो डिटेल्स है उसको आप इंक्रीज़ करना चाहते हो बट बैकग्राउंड में आप कोई भी नॉइज़ नहीं चाहते हो तो उसके लिए आप करेंगे क्या? तो यहाँ पर उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल टूल है जो कि है ये मास्किंग टूल। ये मास्किंग टूल को आप देख सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होंगे तो आपने वीडियो ज़रूर देखे होंगे, बट अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको देख लेना, काफ़ी यूज़फुल वीडियो होगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर काफ़ी सही शार्पनेस आ चुका है, फोटो का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी शार्प हो चुका है बट बैकग्राउंड में नॉइज़ आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मास्किंग टूल है, मास्किंग टूल के ऊपर हम अपने एक फिंगर को प्लेस करेंगे और दूसरे फिंगर से उस मास्किंग टूल को सामने की तरफ इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि एक फिंगर से उसको होल्ड करेंगे, दूसरे फिंगर से उसको इंक्रीज़ करेंगे। और जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो आप यहाँ पर अल्फ़ा चैनल पर देख सकते हो कि हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि ये जो स्पाइडर है वो वाइट हो रहा है और जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो रहा है, यानी कि ये जो वाइट एरिया है ये हमारा सिलेक्टेड एरिया है और जो ब्लैक एरिया है वो हमारा डिसलेक्टेड एरिया है, यानी कि यहाँ पर हमने जो शार्पनेस या फिर डिटेल्स को बढ़ाए हैं या फिर कम करे हैं वो हमारा सिर्फ सिलेक्टेड एरिया के ऊपर काम करेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो सब्जेक्ट है उसके शार्पनेस को इंक्रीज़ करेगा, बैकग्राउंड में कोई भी शार्पनेस इंक्रीज़ नहीं करेगा, यानी कि बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी ऐसे फोकस्ड फोटो में अपने जो मेन सब्जेक्ट है उसके शार्पनेस को इंक्रीज़ करना चाहते हो, बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ ना गेन करे, तो यहाँ पर आप इस मास्किंग टूल को इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर आप मास्किंग टूल के ऊपर आप अपनी एक उंगली को रखकर दूसरे उंगली से इसको एडजस्ट करते हुए अपने जो सब्जेक्ट है उसको सही तरीके से सिलेक्ट करके उसके जो शार्पनेस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। इस टूल के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे जो मास्किंग टूल के ऊपर सेपरेट वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना, मैं लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मेरा जो फोटो है इसमें ये जो स्पाइडर है ये काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुका है और बैकग्राउंड में भी कोई भी नॉइज़ नहीं है। तो ये था हमारा तीसरा ट्रिक, आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।